Assalamu alaikum and good morning students how are you all i hope you all are doing well i'm teacher from god's public higher secondary school 1 and i will be teaching you social studies in our previous lesson we have covered provinces climate Land of contrast, the old and the new features of Pakistan, northern areas of Pakistan. Now, in this lecture, we will be covering some important cities of Pakistan, Pakistan and the world, our problems, and what we can do to solve these problems. Let's start. Some important cities of Pakistan. We will be studying about important cities of Pakistan that are Islamabad, Karachi, Lahore, Rawalpindi, Peshawar, and Quetta. Major cities or metropolis What do you mean by major cities? Major cities are also known as metropolis. These cities are highly populated and developed areas of a country. Most of the business and trade activities take place in the major cities of a country. First city we will be studying is Islamabad. Islamabad is also known as the city of education. Islamabad became the capital of Pakistan in 1959, located at the base of Mergala Hills. This is Pakistan ka capital, Karachi. Tha. Uh, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस दी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वॉज कराची कराची कैपिटल था लेकिन बाद में क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में हैं इसलिए इस्लामाबाद को जो है वो कैपिटल सिटी बनाया गया था इन 1959 ये डेट आपको याद रखनी है 1959 and it is located at the base of margala hills it is a seat of government so all the government institutions and foreign embassies are located here like supreme court of pakistan secretariat parliament jo hai, islamabad mein hai. then comes the presidency the president house the famous university in islamabad the quaid e azam university एंड दैन शाह फैसल मौस जो सऊदी अरब के बादशाह थे शाह फैसल उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी इस्लामाबाद में तभी इस मस्जिद का नाम जो है वो शाह फैसल मौस रखा गया इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मौस इन दर्ल्ड ये सबसे बड़ी मस्जिद कहलाई जाती है ओके दैन कम्स कराची कराची इज़ नोन एज दिटी ऑफ फ्लाइट्स कराची को रोशियों का शहर कहा जाता है इन नाइनटीन फोटी सेवन कराची वॉज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जो कैपिटल था पाकिस्तान का दैट वॉज कराची इट इज़ द होम फॉर मोर दैन ट्वेंटी मिलियन पीपल कराची इज़ ए मॉडर्न सिटी विद होटल्स बैंक्स सिनेमा शॉप्स एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन पाकिस्तान दैट इज़ जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है पाकिस्तान का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची में देन सेंट पेट्रिक कैथेड्रल जो चर्च है वो भी सबसे बड़ा चर्च है वो कराची में है सेंट पैट्रिक के नाम से फ्रेयर हॉल भी को बाग जिना भी कहा जाता है और ये जो बिल्डिंग हैं ये ब्रिटिश एम्पायर से हैं मीन्स कि जब अंग्रेज रूल करते थे अंग्रेज यहाँ पर रूल करते थे तो तब की ये बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं इनके स्ट्रक्चर से भी आपको पता चलेगा सो फ्रेयर हॉल इज़ ऑल्सो वन ऑफ़ दी ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द फेमस बिल्डिंग इन कराची देन कम्स दवर्नर हाउस हाई कोर्ट एंड द म्यूनिसपल कॉरपोरेशन लाहौर द हार्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर इज़ एन एंशियटी ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ़ द रिवर रावी रिवर रावी के करीब जो है लाहौर की सिटी है और ये सबसे एनशियन एनशियट मीन्स ओल्ड सबसे ओल्डेस्ट सिटी है एंड इट इज़ दी सेकेंड मोस्ट पॉपुलस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान मीन्स के लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी जो है वो लाहौर है पहली कौन सी थी कराची दैन बाबर द फाउंडर ऑफ़ मुग़ल एम्पायर फाउंडेड बाय अदर मुग़ल एम्पायरस टर्न लाहौर इंटू अम्पॉर्टेंट सिटी किस तरह उन्होंने इम्पोर्टेंट सिटी बना दी है मोन्यमेंट्स बना के महल बना के मस्जिद बना के लाहौर को और ख़ूबसूरत बना दिया अकबर द ग्रेट जो अकबर बादशाह थे उन्होंने लाहौर फोर्ट बनाया था लाहौर फोट आप देख सकते हो पिक्चर में भी औरंगज़ेब बिल्ड लाहौर फेमस मोनूमेंट दी ग्रेट बादशाही मस्जिद सबसे ख़ूबसूरत अगर आप लाहौर आपका जाना हो तो आप ज़रूर विज़िट करें बादशाही मॉस को वहाँ के जो आर्किटेक्ट ने ख़ूबसूरती से काम किया हुआ है वो टूरिस्ट जो हैं वो दूर दूर से आते हैं जब भी लाहौर आते हैं तो बादशाह मस्जिद को ज़रूर वज़िट करते हैं सो ये औरंगज़ज़ेब ने बिल्ड किया था इन एटीन सेंचुरी दैन कम्स वज़ी ख़ान मस्जिद ये भी ओल्डस्ट मस्जिद है शारीमार गार्डन एंड देन मीनार पाकिस्तान जो कि पहचान है लाहौर की मीना रावल पिंडी रावल पिंडी टेक्स इट्स नेम फ्राम दी रावल लेक रावल पिंडी का जो नाम पड़ा है वो रावल लेक से पड़ा है दिस प्लेस हेज़ एस इम्पोर्टेंट ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ जी टी आर रोड विच इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ट्रैंक ग्रैंड ट्रंक रोड एज वेल क्लोज टू दिल्क रोड जो रावल पिंडी है वो मशहूर है जी टी आर रोड के नाम से एंड इट इज़ ऑलसो फेमस फॉर हेड क्वार्टान आर्मी एंड एयर एंड नेवल हेड कोार्टर्स यहाँ पर जितने भी आर्म फोर्सेज जो हेड क्वार्टर्स हैं आर्मी के एयर के नेवल के वो यहाँ पर पाए जाते हैं और इसको जो है रावल पिंडी और इस्लाबाद को ट्विन सिटीज़ भी कहा जाता है क्योंकि सिर्फ ट्वेंटी किलोमीटर का फासला है फ्रॉम रावर पिंडी टू इस्लामाबाद इस्लामाबाद पिशावर सिटी ऑफ फ्लार पेशावर इज़ द कैपिटल ऑफ खैबर पख्तुख़ौर इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इन मुग़ल एरा पिशा बिकेम सिटी ऑफ फ्लावर्स विद मेनी गार्डन बीइंग लेड ऑल ओवर द सिटी इस ये मुगल एरा में जो है क्योंकि यहाँ पे फूल बहुत ज़्यादा होते थे और बहुत सारे बागात होते थे तो इसलिए इस शहर का नाम जो है वो सिटी ऑफ फ्लावर्स पड़ गया फ्लावर्स पड़ गया इट इज़ सिचुएटेड नियर द नॉर्दर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ द गेटवे बिटवीन सेंट्रल एंड एशिया एंड सब कॉन्टीनेंट यहाँ पर खैबर पास जो है ये जो पिक्चर देख रहे हो ये खैबर पास की है uh, अफ़ग़ानिस्तान और जहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है वहाँ ये खैबर पास का मोन्यूमेंट बना हुआ है किसा खानी बाजार चौक यादगार एंड मोहब्बत खान मॉस आर समावर कोयटा द सिटी ऑफ फ्रूट्स ऑफ गार्डन वाइड इज नोन एज द फ्रूट्स ऑफ गार्डन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स होते हैं एंड दिस सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ड्राई फ्रूट्स कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान इट्स नेम मीन्स फोर्ट एंड सराउंडड बाई माउंटेन्स इट इज़ अ सिक्योर लाइक अ फोर्ट क्यों ये फोर्ट कहा गया है एंड सिक्योर विद द माउंटेन्स बिकॉज ये सिटी जो है वो कवर्ड है और सराउंडड है माउंटेंस के आसपास डेट्स वाई द हन्ना लेक नियर कोयटा इज़ अ फेमस फॉर इट्स चेरी ट्रीज एंड बाजार फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड वेराइटी ऑफ टेक्सटाइल्स एंड ड्राई फ्रूट्स तो हन्ना लेक बहुत मशहूर है जब भी आप वहाँ कोयटा में जाएँ तो आप विजिट करें हन्ना और यहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत मशहूर हैं कोयटा के क्लोज़ टू कोयटा इज़ हिल रिज़ॉर्ट ऑफ ज़्यारत विच वॉज़ अ फेवरेट प्लेस ऑफ कायद अजम कोयटा में ज़्यारत एक जगह है और वो कायदे अजम की फेवरेट प्लेस होती थी एंड उसने उन्होंने कायद अजम ने अपने जो लास्ट डेज हैं ही स्पेंड इन द हाउस विच इज कॉल्ड द कायद अज़म रेजिडेंसी वहाँ उन्होंने अपने दिन गुजारे थे आखिर के और वो अभी भी जगह मौजूद है उसको म्यूज़ियम बना लिया है कायद अजम रेजिडेंसी ज़्यारत में है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड हाउ वी हैव रिलेशन विद अदर कंट्रीज़ वी हैव फ्रेंडली रिलेश मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ एंड ऑल्सो हैव ट्रेड टाइस ट्रेड मीन्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मीन्स अगर हमारे कंट्री में कोई चीज़ नहीं है या वी हैव बीन शॉर्ट ऑफ तो हम फिर दूसरी कंट्रीज से वो इम्पोर्ट करते हैं और दूसरी कंट्रीज में अगर वो चीज़ नहीं है जो हमारी कंट्री में है लाइक फ्रूट्स के लिए हम मशहूर हैं ड्राई फ्रूट्स के लिए हम मशहूर हैं हमारी कंट्री तो वह चीज़ें हम फिर एक्सपोर्ट करते हैं

Uh, जितने भी स्पोर्ट्स गुड्स होते हैं स्पेशली ये सियालकोट में बनते हैं और हम लोग ये बल्क क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारी जो स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो बहुत फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सम ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आर कंट्री इज फेसिंग आर इलिट्रेसी ओवर पॉपुलेशन करप्शन पोवर्टी हेल्थ प्रॉब्लम्स पॉल्यूशन वायलेंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स Uh, be uzhari, job Nahuna. Pakistan and you what you can do your effort, what you can play your part to solve all these problems, working hard at school, paying attention towards studies, being a useful member of a society, being an honest person in everything you do and you say. By keeping our environment clean, we can solve most of the problems. If we all decide to work together with courage and honesty, we can make Pakistan a great nation. Let's have a quick review of today's lecture. We have covered important cities of Pakistan: Sabad, Karachi, Lahore, Rawalpindi, Peshawar, Quetta. Then we have covered Pakistan and the world. And then we have discussed the problems and how we can play our role to solve all these problems. Now it's turn for the home assignment. You have to do this assignment in full scape sheet, write your name, class, roll number. Name the capital of Pakistan. Second is name the second largest city of Pakistan. Then, which city has many European style buildings? Then, Karachi was the capital of Pakistan in which year? You just have to mention the year. The headquarters of Pakistan Armed Forces is in which city? Rawalpindi takes its name from which lake? Which city is famous for its dry fruits? Which city is called the city of flowers? okay now short question answers question number one which places in lahore attract the tourists question number two name some of the important places in islamabad what kind of relationship pakistan has with other countries of the world in which year islamabad became the capital of pakistan and where it is located what role can we play to make pakistan a great nation